अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी ATP क्यों नहीं लगा पाए, क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी ATP। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखे, अपने गृहवान में जाके, अपने गृहवान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे, आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात, ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की अर्थ में रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी जब इतनी बात कर रहे हैं मैं एक और बात करना चाहूंगा, विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के ऊपर उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश